नहीं कनिका, तुम्हें राजकुमार करण को भी यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुमने उन्हें यहाँ लाकर उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया है। इधर तांत्रिक यज्ञ में लगा हुआ था, उधर चुपचाप से करण ने तांत्रिक के पीछे से जाकर उसके सर पर वो फूल रख दिया। फूल रखते ही तांत्रिक के सर में आग लग गई। वो आग धीरे धीरे शरीर में फैलने लगी। तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हुआ राजकुमार करण? तुमने नीली नदी का फूल लाकर मेरे सर पर रखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमार करण। राजकुमार करण होकर तुमने अपनी प्रजा के एक पुजारी की जान ले ली, ये तो सरासर अधर्म है राजकुमार करण। करनैलपुर नामक एक राज्य था जहाँ राजा रंजीत सिंह राज किया करते थे। राजा रंजीत सिंह का बेटा था राजकुमार करण। राजकुमार करण बहुत ही दयालु और प्रकृति प्रेमी राजकुमार थे। उन्हें जंगलों में घूमने और जानवरों को देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर जंगलों में जानवरों की खोज खबर लेने और उन्हें देखने जाया करते थे। आज भी राजकुमार करण अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ सैर करने निकल पड़े। वो जंगलों के बीचों बीच पहुँचे तो आस पास के पेड़ों, फूलों और झरनों को देख कर बहुत खुश हो रहे थे। वाह, सचमुच प्रकृति कितनी अद्भुत है। ये प्रकृति की खूबसूरती केवल प्रकृति में ही देखने को मिलती है, और इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियां तो इन्हीं जंगलों में देखने को मिलती हैं। क्यों सैनिक, सही कहा ना मैंने? जी राजकुमार, आप बिल्कुल सही कहते हैं। आपके राज्य में जानवरों का शिकार नहीं होता, इसीलिए जानवर यहाँ प्रेम पूर्वक बड़ी ही आजादी से रहते हैं, और यही वजह है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ सैनिक, सही कहा तुमने। मेरे राज्य में किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं है। हम जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। चलिए महाराज, हम आगे उस तालाब की तरफ चलते हैं। वे लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी अचानक से राजकुमार की नजर तालाब के किनारे खड़ी एक बहुत ही सुंदर नीली मोरनी पर पड़ती है। मोरनी देखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार का मन मोरनी को देखकर मचल उठता है। वो सैनिक से कहते हैं, देख रहे हो सैनिक, ये कितनी सुंदर मोरनी है। मैंने इतनी सुंदर मोरनी आज तक कहीं नहीं देखी। हाँ महाराज, आप सही कहते हैं, ये मोरनी सच में बड़ी ही सुंदर है। मैंने भी इतनी सुंदर मोरनी अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। काश इस मोरनी को मैं अपने राज्य के राजबाग में ले जाकर पाल सकता। जी महाराज, आप सही कहते हैं, और देखिए ना, शायद ये मोरनी भी यही चाहती है, तभी तो ये हमें देखकर डर नहीं रही है और ना ही भाग रही है। आप ऐसा कीजिए कि उसे पकड़ लीजिए, हम उसे अपने राजमहल में ले चलेंगे। ठीक है सैनिक, तुम रुको, मैं अभी उसके पास जाकर उसे पकड़ कर लेकर आता हूँ। राजकुमार करण तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही मोरनी के पास पहुँचते हैं, अचानक से मोरनी गायब हो जाती है। राजकुमार करण ये देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने आसपास चारों तरफ देखा, लेकिन वो मोरनी उन्हें कहीं नजर नहीं आई। तभी वो अपने सैनिक से बोले, तुमने देखा सैनिक, अचानक ये मोरनी कहीं गायब हो गई। हाँ राजकुमार, मैंने देखा, वो कोई मायावी मोरनी लगती है जो कि आपके पास जाने का इंतजार कर रही है, और आपके पास जाते ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी हमें इस जंगल से अपने घर की तरफ निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई खतरा हो। सही कहते हो सैनिक, चलो हम राजमहल लौट चलते हैं। वो लोग राजमहल लौट आए। रात हो चुकी थी और राजकुमार करण अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, परंतु बहुत चहने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने बार बार वो सुंदर नीली मोरनी आ रही थी। कितनी सुंदर मोरनी थी वो, आज तक मैंने इतनी सुंदर मोरनी कहीं नहीं देखी। वो मायावी नहीं हो सकती, जरूर वो मुझे देखकर कहीं छुप गई होगी। क्यों ना मैं कल फिर उस तालाब के किनारे जाऊं और उसे ढूंढूं, शायद वो मिल जाए। फिर मैं उसे लाकर अपने राजबाग में बहुत ही अच्छे से रखूंगा और उसका बहुत ध्यान भी रखूंगा। यही सोचकर राजकुमार अपने सैनिक को लेकर अगले दिन भी उस तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। राजकुमार जंगल को पार करके तालाब के किनारे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वो मोरनी वहीं पर फिर से खड़ी है। राजकुमार उस मोरनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सैनिक से कहते हैं, देख रहे हो सैनिक, ये मोरनी सचमुच बड़ी ही सुंदर है। इतनी सुंदर मोरनी भला मायावी कैसे हो सकती है।
हाँ राजकुमार, हो सकता है हमें कोई गलत फहमी हुई है। कल ही की तरह ये मोरनी आज भी आपको देखकर नहीं डर रही, शायद ये आपके साथ जाना चाहती है। राजकुमार, आप जल्दी से इसे जाकर पकड़ लीजिए। तुम ठीक कहते हो सैनिक। ऐसा कहकर राजकुमार तेजी से उस मोरनी के पास जाते हैं। फिर से अचानक ही वो मोरनी गायब हो जाती है। राजकुमार हैरत में पड़ जाते हैं और सैनिक से कहते हैं, सैनिक क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? वो मोरनी मेरे पास आते ही अचानक से गायब हो गई। हाँ महाराज, आप सही कहते हैं, मैंने भी उस मोरनी को गायब होते ही देखा। महाराज मैं तो कहता हूँ हमें महल लौट जाना चाहिए, ना जाने वो मोरनी आपके पास आते ही क्यों गायब हो रही है। राजकुमार करण फिर से घर लौट आए, परंतु उन्हें फिर से रात में नींद नहीं आ रही थी। वो सुंदर मोरनी बार बार उन्हें आकर्षित कर रही थी। राजकुमार का मन नहीं माना और अगले दिन वो उस मोरनी की तलाश में फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार राजकुमार अकेले ही उस जंगल की तरफ जा रहे थे। जल्दी ही जंगल को पार करके वो तालाब के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वो मोरनी वहीं खड़ी थी। राजकुमार करण फिर से उस मोरनी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही वो उस मोरनी के पास पहुंचे वो मोरनी गायब हो गई। अब राजकुमार करण बहुत उदास हो गए और महल वापस आ गए। राजकुमार करण को बार बार उस मोरनी की याद आ रही थी, उसकी खूबसूरती उनकी आंखों में बस चुकी थी। राजकुमार का कहीं मन नहीं लगता था और ना ही वो ठीक तरह से खा रहे थे और ना ही वो हंस रहे थे। महारानी दुर्गावती ने जब ये देखा तो वो एक दिन महाराज से बोली, महाराज आजकल राजकुमार करण बहुत उदास रहते हैं, ना वो ठीक से खाना खा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई हंसते हुए देख रहा है। तुम ठीक कहती हो महारानी, मैंने भी बहुत दिनों से उन्हें राज्यसभा में नहीं देखा। आओ चलो हम दोनों मिलकर राजकुमार करण से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर उनकी उदासी की वजह क्या है। यही सोचकर महाराज और महारानी राजकुमार करण के कक्ष में पहुंचे। वो देखते हैं कि राजकुमार करण बहुत ही उदास बैठे थे। तभी राजकुमार महाराज कहते हैं, राजकुमार करण क्या बात है, आप कई दिनों से बहुत उदास रहते हैं, क्या आपको अपने पिता पर और इस राज्य के महाराज पर भरोसा नहीं है जो आप अपनी समस्या हमें नहीं बता सकते? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं, परंतु मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। किसे नहीं भूल पा रहे हैं आप राजकुमार करण? राजकुमार करण ने महाराज को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर महाराज बोले, राजकुमार करण बस इतनी सी बात, हम उस मोरनी को सारे जंगल में ढूंढ कर आपके पास बुला देंगे। उसके बाद महाराज ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, सारा जंगल छान मारो और उस नीली मोरनी को पकड़कर राजकुमार के पास ले जाओ, ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। बहुत सारे सैनिक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सैनिक सारा जंगल छान मारते हैं लेकिन कहीं भी वो नीली मोरनी उन्हें नहीं मिलती। फिर सभी आकर महाराज को ये सूचना देते हैं कि नीली मोरनी जंगल में कहीं नहीं मिली। ये सुनकर महाराज बहुत उदास हो जाते हैं और राजकुमार करण के कक्ष में आकर उनसे कहते हैं, राजकुमार करण वो नीली मोरनी जंगल में कहीं नहीं मिली, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, परंतु ये आपके मन का भ्रम भी हो सकता है राजकुमार, क्योंकि अगर कोई नीली मोरनी हमारे जंगल में होती तो वो हमारे सैनिकों को जरूर मिलती। हाँ महाराज बिल्कुल हो सकता। राजकुमार हम सोच रहे थे कि तुम्हें हमारे पड़ोसी राज्य में घूमने के लिए जाना चाहिए, वैसे भी पड़ोसी राज्य के राजा विश्वजीत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत दिनों से वो तुम्हें घूमने के लिए अपने राज्य में बुला रहे थे, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाओ। आप सही कहते हैं पिताजी, इससे मेरा मन भी बहल जाएगा और मैं उस मोरनी को भी भूल जाऊंगा। राजकुमार करण घोड़ी पर सवार होकर दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़े। दूसरे राज्य पहुंचने के लिए राजकुमार करण को उन्हीं जंगलों से गुजरना था। राजकुमार करण तेजी से दूसरे राज्य के लिए जा रहे थे, तभी फिर से उन्हें वो मोरनी उनके सामने खड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर राजकुमार करण ने घोड़ा रोका तो देखा कि मोरनी वहीं खड़ी है। राजकुमार करण को मोरनी को देखकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोले, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो, बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो,
जब मैं तुम्हारे पास तुम्हें पकड़ने के लिए आता हूँ तो तुम गायब हो जाती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो तुम्हें मार भी सकता हूं? जाओ मेरे सामने से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। राजकुमार की बात सुनकर मोरनी कहती है, महाराज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर वो मोरनी एक नागिन में बदल जाती है। राजकुमार उसे देखकर बहुत हैरान थे। राजकुमार उससे बोले, कौन हो तुम? क्या तुम एक मोरनी नहीं हो? और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अपने बदलते हुए रूप तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? राजकुमार मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम कनिका है और मेरी पति का नाम सूरज है। मेरे पति भी एक इच्छाधारी नाग है। हम दोनों जिसका भी चाहे उसका रूप ले सकते हैं। राजकुमार हम आपके राज्य के इन्हीं जंगलों में पिछले 100 सालों से रह रहे हैं। एक दिन की बात है, हम दोनों इन्हीं जंगलों में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए घूम रहे थे। तभी यहाँ पर एक तांत्रिक सपेरा आया और उसने अपने तंत्र मंत्र के जादू से मेरे पति को कैद कर लिया। तब मैंने उससे कहा, छोड़ दो मेरे पति को। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे पीछे पड़ा है? छोड़ दे मेरे पति को। मूर्ख नागिन, तुम्हें गलतफहमी है। अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं इसे पकड़ता ही क्यों? अच्छा तुझे ये जानना है कि मैंने इसे क्यों पकड़ा है तो सुन, इसके माथे पर नागमणि है। आने वाली पूर्णिमा को मैं अपनी पूजा में इसकी बलि दूंगा और वो नागमणि हासिल करके शक्तिशाली हो जाऊंगा। मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि जब जब किसी तांत्रिक ने नागमणि को पाने की इच्छा की है वो मारा गया है? मरे होंगे कमजोर तांत्रिक, तू मुझे नहीं जानती। मैं बहुत शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। और हाँ, तू मेरे पीछे अपने पति को बचाने के लिए मत आना, वरना मैं तेरी आहुति देने में भी देर नहीं लगाऊंगा। ऐसा कहकर वो तांत्रिक मेरे पति को लेकर चला गया। राजकुमार मैं इतनी शक्तिशाली नहीं कि अकेली उसका मुकाबला कर पाऊँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बताओ मुझे कि वो तांत्रिक कहाँ रहता है। मैं उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा, उसे मार डालूंगा और तुम्हारे पति को वापस ले आऊंगा। नहीं महाराज, आप उससे अकेली नहीं लड़ सकती। क्यों, मेरी वीरता पर किसी तरह का संदेह है? मैं राजकुमार करण हूँ। मैंने ना जाने कितने शत्रुओं को धूल चटाई है, तो एक तांत्रिक को मारना मेरे लिए भला क्या बड़ी बात है? नहीं राजकुमार, मुझे आपकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, परंतु आप नहीं जानते कि वो मायावी शक्तियों का मालिक है और आपके पास कोई भी मायावी शक्ति नहीं है। इसीलिए अगर उससे लड़ना है तो हमें भी मायावी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कोई तो रास्ता होगा उसे मारने का। हे राजकुमार, एक रास्ता है परंतु वो थोड़ा मुश्किल है। मैं मुश्किलों से नहीं डरता कनिका, मुझे बताओ कि उसे मारने के लिए क्या करना होगा। महाराज, इसी जंगल के बाईं ओर एक नीली नदी बहती है। उस नदी में एक नील कमल का फूल खिलता है। वो फूल बड़ा ही ताकतवर है। आप चाहे तो उस फूल को तोड़कर ला सकते हैं और फिर हम उस तांत्रिक को मार सकते हैं। ठीक है कनिका, मैं उस फूल को तोड़कर जरूर लाऊंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। जी राजकुमार, परंतु संभल कर जाना, रास्ते में खतरा भी हो सकता है। ठीक है कनिका, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार करण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की बाई तरफ नीली नदी की तलाश में चल पड़ते हैं। राजकुमार करण काफी दूर जा चुके थे परंतु अभी उन्हें कहीं भी नीली नदी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी राजकुमार मन में सोचते हैं, मैं काफी दूर आ गया हूँ परंतु मुझे कहीं नीली नदी नहीं दिखाई दे रही। आसपास कोई भी नहीं है जिससे मैं नीली नदी का पता पूछ सकूं। तभी राजकुमार करण की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया पर जाती है। राजकुमार करण उस बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, बूढ़ी अम्मा, मैं नीली नदी की तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नीली नदी किस तरफ है? बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे पास ये पानी का मटका रखा है, जरा इसमें से निकाल कर मुझे थोड़ा पानी तो पिला दो बेटा। लेकिन अम्मा, ये मटका तो आपके पास ही रखा है, आपको जब इतनी प्यास लगी है तो आप स्वयं पानी क्यों नहीं पी रही? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं उठ भी नहीं सकती, कृपया मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर राजकुमार को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है। वो मटके से पानी निकालते हैं और जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पिलाने वाले होते हैं तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, रुको बेटा, बेटा मुझे कोढ़ है, हो सकता है अगर तुम मुझे पानी पिलाओ तो ये कोढ़ तुम्हें भी लग जाए,
तुम सोच समझकर ही मुझे पानी पिलाओ। अगर तुम चाहो तो बिना पानी पिलाए भी जा सकते हो। नहीं अम्मा, आपको पानी पिलाना मेरा धर्म है, और अपना धर्म निभाने के लिए अगर मुझे किसी बीमारी का सामना भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप पानी पी लीजिए। बुढ़िया ने जैसे ही राजकुमार के हाथों से पानी पिया, वो एक सुंदर स्त्री में बदल गए। राजकुमार ये देखकर चौंक गए और बोले, कौन है आप? आप बूढ़ी अम्मा से एक सुंदर स्त्री में कैसे बदल गईं? राजकुमार करण, मेरा नाम श्वेता है। मैं नीली नदी की पहरेदार हूँ। इस रास्ते से कई नवयुवक नीली नदी का फूल लेने के लिए आए, परंतु मेरी परीक्षा में असफल हुए और अपनी जान गवा बैठे। राजकुमार करण, आप न केवल बहुत दयालु हैं, बल्कि बहुत समझदार और गुणवान भी हैं। आपको नीली नदी का रास्ता मैं बताऊंगी, परंतु उससे पहले मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। श्वेता राजकुमार के कान में कुछ कहती है। राजकुमार श्वेता की बात सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। फिर श्वेता उनसे कहती है, राजकुमार ये सीधा रास्ता देख रहे हैं? आगे जाकर ये रास्ता दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर चलने के बाद आपको नीली नदी दिखाई देगी। जाइए राजकुमार और नीली नदी से फूल ले आइए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी यात्रा शुभ हो। ऐसा कहकर श्वेता वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमार नीली नदी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। श्वेता के बताए हुए रास्ते पर लगातार चलने के बाद राजकुमार को दूर से नीली नदी नजर आती है। अरे वाह, वो रही नीली नदी। आखिर मैं नीली नदी के पास पहुँच ही गया। अब मैं कनिका के पति को आजाद करने में भी जरूर कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार करण तेजी से उस नीली नदी की तरफ बढ़ते हैं, अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध देते हैं और नीली नदी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो नील नदी के पास पहुंचे, वहां एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ और बोला, कौन है तू? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? तू इस नीली नदी के किनारे क्यों आया है? मैं राजकुमार करण हूँ, और नागराज की जान बचाने के लिए मैं नीली नदी का नीला कमल लेने आया हूँ। नीली नदी का नीला कमल ले जाना इतना आसान नहीं है, समझा? मैं हर हाल में वो कमल यहाँ से लेकर रहूंगा। वो कमल तू तब तक नहीं ले जा सकता जब तक मैं तुझे आज्ञा ना दूं, क्योंकि वो नीली नदी मेरी है। तो राक्षस राज, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे उस नीली नदी का नीला कमल हर हाल में चाहिए। या फिर मुझे आप ये बता दीजिए कि मुझे उस नीली नदी का नीला कमल लेने के लिए क्या करना होगा। क्या करना होगा? तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तूने उस सवाल का सही जवाब दिया तो तू उस नीली नदी से नीला कमल ले जा सकता है, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। जी राक्षस राज, पूछिए आपको क्या पूछना है। राक्षस ने एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति को प्रकट किया और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, राजकुमार करण, इस मूर्ति को देख और मुझे बता कि ये मूर्ति तुझे कैसी दिखती है, और साथ में ये भी बता कि इस मूर्ति की आंखें कैसी हैं। राजकुमार उस बदसूरत मूर्ति की बुराई करने ही वाले थे कि तभी उन्हें श्वेता की कही हुई बात याद आ गई। देखो राजकुमार करण, वो नदी राक्षस के कब्जे में है, और राक्षस तुम्हें एक बदसूरत मूर्ति दिखाएगा और तुमसे सवाल करेगा कि ये मूर्ति कैसी दिखती है और इसकी आंखें कैसी दिखती है। तुम उनसे कहना कि ये मूर्ति बहुत खूबसूरत है और उनकी आंखें समुद्र जैसी है। साथ ही ये भी कहना कि राक्षस राज इतनी सुंदर महिला से तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल वो मूर्ति उसकी पत्नी की है जो मर चुकी है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो राक्षस खुश हो जाएगा और तुम्हें नील कमल लाने देगा। और फिर राजकुमार करण बोले, राक्षस राज, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर स्त्री की है, और इसकी आंखें तो समुद्र की तरह गहरी हैं। इतनी सुंदर स्त्री से तो आपको विवाह कर लेना चाहिए राक्षस राज। तू सही कहता है राजकुमार करण, ये सुंदर स्त्री मेरी पत्नी है। तूने मेरी पत्नी की तारीफ की, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। जा और नीले कमल को अपने साथ ले जा, अब तुझे नीला कमल ले जाने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसा कहकर राक्षस गायब हो गया। राजकुमार करण नीली नदी की तरफ आगे बढ़े तो देखा कि किनारे पर ही एक बहुत खूबसूरत नील कमल खिला हुआ है। राजकुमार ने आगे बढ़कर वो नील कमल तोड़ लिया और अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जल्दी ही नागिन के पास पहुंच गए और नागिन के हाथों में नील कमल देकर बोले, कनिका ये लो, मैं ये फूल ले आया हूँ, अब जल्दी से अपने पति को छुड़ा लो। मुझे पूरा यकीन था राजकुमार करण कि आप ये फूल जरूर लेकर आओगे, परंतु अभी भी मेरे पति को छुड़ाना इतना आसान नहीं है।
वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। आज पूर्णिमा की रात है, रात होने से पहले हमें इस सूरज को उनके कैद से आजाद करना होगा। राजकुमार करण, हम दोनों उसके पास चलते हैं। मैं उसे युद्ध करूंगी, परंतु उसे युद्ध में जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसने काला जादू करके अपने पास बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर रखी है। उसे मारने का एक ही तरीका है, जब मैं उसे युद्ध करूँ तो तुम चुपके से उस फूल को उसके सर पर रख देना। ये फूल उसके सर पर रखते ही तांत्रिक जलकर भस्म हो जाएगा और मेरे पति सूरज आजाद हो जाएंगे। ठीक है कनिका, मैं ऐसा ही करूंगा। अब हमें देर नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से, हमें उस तांत्रिक के पास पहुंचना चाहिए। तुम घोड़े पर मेरे पीछे बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ। इसकी जरूरत नहीं है राजकुमार करण, आप अपनी आँखें बंद कर लें, मैं पलक झपकते ही आपको तांत्रिक के पास पहुँचा दूंगी। फिर राजकुमार ने अपनी आँखें बंद की, कनिका ने जादू किया और पल भर में दो दोनों तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक नागराज सूरज की आहुति देने के लिए यज्ञ कर रहा था। दोनों को देखकर वो चौंक गया और बोला, अच्छा तो तू आ ही गई यहाँ अपने पति को बचाने के लिए। तुझे कहा था ना कि अगर तू आई तो मैं तेरी भी आहुति दे दूंगा। तांत्रिक, तू अपनी जुबान संभाल कर बात कर, आज इन दोनों का नहीं बल्कि तेरी आहुति का दिन है। कौन है तू और इनके साथ अपनी जान गंवाने क्यों आ गया? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और इस राज्य में हो रहे हर प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए वचनबद्ध हूँ, और तुझे भी मैं इनकी आहुति देने का अन्याय नहीं करने दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजकुमार, इनकी आहुति तो मैं हर हाल में दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वापस से अपने यज्ञ में लग जाता है। तभी नागिन अपने मुँह से आग की गोली तांत्रिक की तरफ फेंकती है। बदले में तांत्रिक भी नागिन की तरफ आग की गोली फेंकता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। फिर तांत्रिक एक जादुई रस्सी फेंक कर नागिन को बांध लेता है और कहता है, नागिन तुझे बहुत शौक है ना अपने नाक को बचाने का, तो ले मैंने तुझे भी कैद कर लिया। तू अपने नाक को बचा तो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जा। कनिका के बाजू में ही उसका पति नागराज सूरज भी बंधा हुआ था। सूरज ने कनिका को देखकर कहा, कनिका तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो पता है कि ये तांत्रिक कितना खतरनाक है। नहीं सूरज, आप मेरी पति हैं, आपकी जान बचाना मेरा परम कर्तव्य है, और आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? राजकुमार करण हमारे साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं कनिका, तुम्हें राजकुमार करण को भी यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुमने उन्हें यहाँ लाकर उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया है। इधर तांत्रिक यज्ञ में लगा हुआ था। उधर चुपचाप से करण ने तांत्रिक के पीछे से जाकर उसके सर पर वो फूल रख दिया। फूल रखते ही तांत्रिक के सर में आग लग गई। वो आग धीरे धीरे शरीर में फैलने लगी। तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हुआ राजकुमार करण? तुमने नीली नदी का फूल लाकर मेरे सर पर रखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमार करण। राजकुमार करण होकर तुमने अपनी प्रजा के एक पुजारी की जान ले ली, ये तो सरासर अधर्म है राजकुमार करण। तांत्रिक तू जो कर रहा था वो भी तो अच्छा नहीं कर रहा था, किसी की जान लेना भी अधर्म है, और मेरे राज्य में तो किसी भी जानवर की जान लेना सख्त मना है। तूने राजा की आज्ञा की अवहेलना की है, तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। कनिका और सूरज दोनों आजाद हो गए। कनिका राजकुमार करण से बोली, राजकुमार करण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों की जान बचा ली। अगर आप ना होते तो ये तांत्रिक मेरे पति की आहुति दे देता, उनसे नागमणि लेकर वो बहुत शक्तिशाली हो जाता और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता। हाँ राजकुमार करण, कनिका सही कहती है, हम दोनों आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। इसमें आभार की कोई बात नहीं, आप लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों की जान बचा पाया। अच्छा मुझे अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमार करण, जाने से पहले मैं आपको भेंट स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ, कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर कनिका ने अपने हाथों से जादू किया और एक बहुत ही सुंदर नीली मोरनी वहाँ आ गई। राजकुमार उस नीली मोरनी को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अरे ये मोरनी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने तुम्हें मोरनी के रूप में देखा था, और उसकी सुंदरता तो मैं आज तक नहीं भुला पाया। परंतु तुम फिर मेरे साथ मजाक कर रही हो कनिका, मैं जैसे ही मोरनी के पास जाऊंगा ये भी गायब हो जाएगी। नहीं महाराज, ये मोरनी गायब नहीं होगी, आप इसे पकड़ लीजिए और अपने साथ अपने महल ले जाइए। ये मोरनी हम दोनों की तरफ से आपको तोहफा है, वो भी हमेशा के लिए ये आपके साथ रहेगी।
राजकुमार करण ने नाग नागिन दोनों को धन्यवाद दिया और नीली मोरनी को खुशी खुशी लेकर अपने राज्य लौट आए और अपने माता पिता को सारी बात बताई। महाराज और महारानी भी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए।